व्हाट्स अप एथलीट्स, आई एम नीलांजन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप उन लोगों में से हैं जो ह्यूमन फ्लैग और ड्रैगन फ्लैग जैसे एक्सरसाइजेस या कैलिस्थेनिक मूव्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं बहुत टाइम से लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे? तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिक फंडा बताने वाला हूँ या मेन स्ट्रेंथ जहाँ पर आप लैक कर रहे हैं वो आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप इम्प्रूव करके ये बेसिक एक्सरसाइजेस, सॉरी बेसिक तो नहीं लेकिन एडवांस कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस लाइक द ड्रैगन फ्लैग एंड ह्यूमन फ्लैग एंड मेनी मोर, ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखिए और आपको एंड तक ये पता चल जाएगा कि आप कैसे ये सारी एक्सरसाइजेस या स्टैटिक होल्ड्स जल्दी और एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियो में। सो एथलीट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप ये एक्सरसाइजेस जैसे कि ड्रैगन फ्लैग और ह्यूमन फ्लैग क्यों नहीं कर पाते, तो आप मेन स्ट्रेंथ जहाँ पे लैक कर रहे हैं वो है आपका कोर। अब कोर से सब ये सोचेंगे कि अपने एब्डोमिनल्स जो होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं, लेकिन नहीं, अपना कोर सिर्फ एब्स नहीं होता, अपना कोर कंसिस्ट करता है ये अपने एब्डोमिनल मसल्स, डीप ओब्लिक्स और अपना लोअर बैक भी होता है, ठीक है। ये तीनों मिलके हमारे पूरा अपने बॉडी का कोर बनाता है। तो अपना कोर स्ट्रांग होना चाहिए बहुत, ताकि हम ये स्टैटिक होल्ड्स कर पाए। स्टैटिक होल्ड्स में ज़्यादातर कोर से ही हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो मैं आज आपको एक एक्सरसाइज ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपके लोअर एब्स और आपके जो ये साइड ओब्लिक्स होते हैं ये बहुत अच्छी तरह ट्रेन होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये ड्रैगन फ्लैग और ह्यूमन फ्लैग जैसे स्टैटिक होल्ड्स और एफिशिएंटली और बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइज है अपनी हैंगिंग विंडशील्ड वाइपर्स। अब मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ ये एक्सरसाइज वैसे करते कैसे है, उसके बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रेशंस बताऊँगा, ठीक है। पहले आपको करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज करते कैसे है। एक आपको हैंग करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, हैंग करने के लिए इस पर हैंग करिए आप एंड ऐसे ऊपर पैर। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी हैंगिंग विंडशील्ड वाइपर्स। तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन मैं हूं ना आपके साथ यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो चलिए इसकी प्रोग्रेशन पे मूव करते हैं, कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं जल्दी, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इसके प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली क्या चाहिए। थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ चाहिए हाथों में ताकि आप ये एक्सरसाइज या मूव कर पाए। तो बेसिक इसका रिक्वायरमेंट है कि आप एक एक्टिव हैंग जैसे होता है उसको 20 सेकेंड या उससे ज़्यादा होल्ड कर पाए। अब मैं बताता हूँ आपको एक्टिव हैंड कैसे हैंग कैसे होता है। देखिए ये हो गया अपना डेड हैंग, ठीक है, पूरा नीचे की तरफ को। और एक्टिव हैंग होता है ऐसे, जो आपके शोल्डर ब्लेड्स एक्टिवेटेड होते हैं, स्क्वीज्ड होते हैं, ठीक है। आप जब ये एक्टिव हैंग 20 सेकंड अगर कर पाते हैं या उससे ज़्यादा कर पाते हैं तो आप रेडी है इसकी विंडशील्ड वाइपर्स की प्रोग्रेशंस को करने के लिए। आप हैंगिंग विंडशील्ड वाइपर्स ऐसे ग्रिप से भी कर सकते हैं, चिन अप ग्रिप के साथ या पुल अप ग्रिप के साथ। मैं आपको ऐसा चिन अप ग्रिप के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे ढंग से दिखेगा, मैं वैसे दिखाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा पीछे की तरफ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोग्रेशंस के साथ। अपनी इसकी फर्स्ट प्रोग्रेशन होगी वो अपनी होगी लेग रेसेस, ठीक है, हैंगिंग लेग रेसेस। कोई भी प्रोग्रेशन अगर आप नहीं कर पाते परफॉर्म तो साइड बाय साइड आपने ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस भी चलती रहेंगी, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई अपनी हैंगिंग लेग रेसेस। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज, वो करिए। सो फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन होने वाला है वो होने वाले है टोस टू बार। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं टोस टू बार।
wings and fly, go. सो फ्रेंड्स, ये था अपना सेकंड प्रोग्रेशन, दैट इज क्रॉस टू बार्स. जो अपना नेक्स्ट प्रोग्रेशन होने वाला है, दैट विल बी हाफ विंडशील्ड वाइपर्स. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये हाफ विंडशील्ड वाइपर्स कैसे करते हैं. हैंग. सो फ्रेंड्स, ये थे अपने हाफ विंडशील्ड वाइपर्स. नाउ मूविंग ऑन टू आर लास्ट प्रोग्रेशन टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज. सो अपना जो लास्ट प्रोग्रेशन होगा टू परफॉर्म द हैंगिंग विंडशील्ड वाइपर्स, दैट विल बी द विंडशील्ड वाइपर्स होल्ड. मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं ये. होल्ड करिए इसे जितनी देर तक हो सकता है. पर सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट प्रोग्रेशन टू परफॉर्म द हैंगिंग विंडशील्ड वाइपर्स. आप करिए सारे प्रोग्रेशंस और बताइए कैसे लगे ये सारे प्रोग्रेशंस. मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप विंडशील्ड वाइपर्स रेगुलरली 10 टू 15 रेप्स करते हैं तो आपको वो कोर स्टेबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगा, जिससे आप एडवांस कैलिस्थेनिक मूव्स या कोई भी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस बहुत आराम से कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो उस पर जाकर फॉलो करिए @NilanjanNathleisure. और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जाके देखिए, जिसमें मैंने बता रखा है, वेरियस वर्कआउट रूटीन समझा रखे हैं मैंने. जिनको नहीं पता, बिगनर है और चाहते हैं कोई वर्कआउट रूटीन मिल जाए जिससे हम चालू करें, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए. एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अनदर टाइम. टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.